आज हम जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो है रॉकेट के साथ में। जी हाँ दोस्तों, मेरे हाथ में है एक दिवाली रॉकेट और आपको तो अच्छे से ही मालूम है कि दिवाली रॉकेट किस काम आता है। जी हाँ, इसे हमेशा हम आसमान की तरफ छोड़ते हैं, मगर इस बार मेरा प्लान कुछ अलग है और आपको थोड़ा प्लान एक बार समझा देता हूँ डीप में और आप एक बार समझ लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ। पहले आप मेरा प्लान ही समझ लीजिए कि मेरे पास है ये तार है और इस तार के टुकड़े को मैं पानी के अंदर में इस तरीके से डुबा दूंगा कि जिससे इसका आधा भाग जो पानी के अंदर रहेगा और इसका जो आधा भाग है वो पानी के ऊपर रहेगा और इधर का पार्ट पानी के ऊपर रहेगा, बट इसका जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ वाला ये पानी के अंदर रहेगा, नीचे का पार्ट जो है। और यहाँ से हम रॉकेट को लॉन्च करेंगे और वो घूमता हुआ पानी के अंदर से पानी के ऊपर लॉन्च होगा और मेरी प्लानिंग कुछ इसी तरीके की है और देखते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेस होता है कि नहीं। तो इसी के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और इसका रैंप एक बार बना के आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारियाँ की हैं इसके लिए। और उसके लिए मैंने सबसे पहले तो रॉकेट लिया है और मैंने जो लिए हैं दो तार लिए हैं जिससे मैं रॉकेट को बांध के इस रैंप के जोड़ के दोनों को जोड़ दूंगा, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए कैसा होता है। और सबसे पहले रॉकेट को बांध लेंगे अच्छे से ताकि वो खुले ना, जितना अच्छा हम इसको बांधेंगे वो उतना ही अच्छा हमको कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये पानी पे पैर ही निकलेगा ना। तो देखते हैं अपन ये काम करता है कि नहीं। और ये मैंने कुछ इस तरीके से एक बांध लिया और दूसरा भी बांध लेते हैं। और ये एक बात को दिखाना चाहूँगा, इसको मैंने कुछ इस तरीके से किया हुआ है कि इसमें एक होल भी आपको दिखाई दे, ये थोड़ा सा होल आपको दिखाई दे रहा होगा और इसके अंदर में हमको तार को डालना है, तो आपको डाल के दिखा देता हूँ। और ये हम तार को इसके अंदर डालेंगे ये, और आपको एक बार फिर से मैं एक बार फॉर्मेशन बना के दिखा देता हूँ कि हमको करने क्या वाले हैं। अब इसको हम यहाँ से आग लगाएंगे ऊपर में और जब आग लग के यहाँ से नीचे जाएगा रॉकेट तो नीचे जाते ही ट्रस्ट के साथ नीचे जाएगा और नीचे जाने के बाद उसके पानी से बाहर निकलता है कि नहीं, यही हमारा एक्सपेरिमेंट रहेगा दोस्तों।